आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है। सरल अघनता किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका महत्व का वर्णन कीजिए। तो हमें किसके बारे में बताना है यहाँ, सहलग्नता। ठीक है, सहलग्नता के बारे में यहाँ पर बताना है, तो हम इसकी विवेचना कर लेते हैं। सहलग्नता में क्या होता है कि जो एक गुणसूत्र होता है, एक गुणसूत्र जो होता है उस पर क्या उपस्थित रहते हैं, दो जीन साथ साथ उपस्थित रहते हैं। कैसे साथ साथ उपस्थित रहते हैं, एवं हम देखते हैं इनमें उपस्थित एवं ये क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ वंशागत होते हैं। एक पीढ़ी से यहाँ पर लिखें हम, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ये वंशागत होते हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या देखें, जो प्रकार देखें तो इसको दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हम यहाँ देख लेते हैं, पूर्ण सहलग्नता। ठीक है, अब पूर्ण सहलग्नता में हम यहाँ पर विवेचना करते हैं। जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित होता है उसकी वंशागति, इस जीन की वंशागति के समय ये क्या नहीं होता, अलग नहीं होता और दूसरी पीढ़ी में जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो पूर्ण सहलग्नता है, इसमें जो संतति बनती है, संतति वो पैतृक समान बिल्कुल, ठीक है, यानी कि बिल्कुल भी परिवर्तन इनमें नहीं आता। यहाँ पर हम इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण ड्रोसोफिला इसका क्या है उदाहरण। ड्रोसोफिला में हम देखते हैं कि जब स्लेटी रंग व छोटे पंख वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस यानी कि संकरण काले रंग एवं हम देखते हैं काले रंग व लंबे पंख वाली जंगली ड्रोसोफिला से कराते हैं, तो जो F1 पीढ़ी है इसमें क्या प्राप्त होंगे, इसमें स्लेटी रंग एवं लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला में प्राप्त होती है, यानी संतति कैसी होती है, इसमें F1 पीढ़ी कैसी होगी, स्लेटी रंग व लंबे पंख वाली। अब इस स्लेटी रंग व लंबे पंख वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस किसके साथ कराया जाता है, काले रंग व लंबे पंख इसके साथ कराया जाता है। तो हम देखते हैं जो F2 पीढ़ी हमें प्राप्त होगी, इसमें क्या प्राप्त होता है हमें, ये पैतृक समान होती है। पैतृक समान यानी कि हमने पैतृक देखे थे, ये पैतृक है यानी कि ये क्या है, जनक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्लेटी रंग व छोटे पंख वाली ड्रोसोफिला, एक तो क्या प्राप्त होगी, स्लेटी रंग व छोटे पंख वाली ड्रोसोफिला प्राप्त होंगी, और एक प्राप्त होंगी इसमें काले रंग व लंबे पंख वाली ड्रोसोफिला, यानी कि ये कैसी होंगी, बिल्कुल पैतृक समान होंगी। और F1 पीढ़ी में जो सारी ड्रोसोफिला होंगी वो कैसे होंगी, स्लेटी रंग व लंबे पंख वाली होंगी F1 पीढ़ी में। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरी सहलग्नता के बारे में बात करें तो वो क्या है, अपूर्ण सहलग्नता। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो सहलग्न जीन युग्मक बनते समय, जो सहलग्न जीन होते हैं, सहलग्न
गुणसूत्र पर संलग्न जीन होते हैं वो युग्मक बनते समय, गुणसूत्र टूटने के कारण, किसके कारण? गुणसूत्रों के, किसके कारण? गुणसूत्रों के टूटने के कारण, क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ये? अलग हो जाएंगे संलग्न जीन, ठीक है, अलग हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं क्या होता है कि अलग होने के बाद ये टुकड़े विनिमय द्वारा, विनिमय द्वारा क्या कर लेते हैं? विनिमय द्वारा क्या हो जाते हैं? विनिमय द्वारा बने नए संयोग युग्मक में पहुंच जाते हैं। विनिमय द्वारा ये संलग्न जीन होंगे वो किसमें पहुंच जाएंगे? नए नए संयोग, जो नया संयोग बनेगा, संयोग युग्मक, नया संयोग युग्मक में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? अपूर्ण संलग्नता कहते हैं। अब यदि हम इसका उदाहरण यहाँ पर देखते हैं तो इसका उदाहरण है, मक्का, में देखते हैं। मक्का में इस प्रकार की अपूर्ण संलग्नता पाई जाती है। मक्का में क्या होता है यहाँ पर देखें हम, कि जब रंगीन व भरे बीजों वाले, यहाँ पर हम देखें रंगीन व भरे बीज, का संकरण जो है किसके साथ कराया जाता है? संकरण रंगहीन तथा, किससे? संकुचित बीज, वाले पौधों से कराया जाता है, ठीक है। ये क्या है? जनक है। क्या है ये? जनक, ठीक है। अब इसमें संकरण कराया जाता है तो एवन पीढ़ी में हम देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें। एवन पीढ़ी में हमें प्राप्त होता है रंगीन व भरे बीज। रंगीन, सारे पौधे कैसे प्राप्त होंगे? रंगीन व भरे बीज वाले, ठीक है। अब इस रंगीन व भरे बीज वाले पौधों का संकरण हम कराते हैं किसके साथ? संकरण यदि हम किसके साथ कराते हैं यहाँ पर? रंगहीन व संकुचित बीज में, रंगहीन व संकुचित बीज वाले पौधों से, जब कराते हैं इसका परागण, तो क्या होता है? हमें जो F2 पीढ़ी प्राप्त होगी, कौन सी? F2 पीढ़ी। उसमें हम देखते हैं कि हमें चार प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। पहले प्राप्त होंगे यहाँ पर कौन से? पहले जो प्राप्त होंगे वो प्राप्त होंगे रंगीन तथा भरे बीज, ठीक है। और दूसरे जो हमें प्राप्त होंगे, यहाँ प्राप्त होंगे रंगीन तथा संकुचित बीज, रंगीन व संकुचित बीज, इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं तीसरे पौधे हमें प्राप्त होते हैं रंगहीन, व भरे बीज वाले पौधे प्राप्त होंगे। इसी तरह जो चौथे पौधे हमें प्राप्त होंगे, चौथे प्रकार के पौधे, वो कैसे प्राप्त होंगे? रंगहीन, व संकुचित बीज वाले, पौधे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमें, हमने दोनों तरह के प्रकारों की विवेचना करी। अब हम इसके महत्व के बारे में देख लेते हैं, इसके सहलग्नता के महत्व के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। ये संकरण द्वारा आए व आने वाले जनक लक्षणों का इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हम लिखें संकरण द्वारा आए लक्षणों का क्या किया जा सकता है? अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं ये उत्परिवर्तन को रोकता है। किसको रोकता है? उत्परिवर्तन को क्या करता है? ये रोकता है, ठीक
या हम पुनर्योग इसको कहें रोकता है ये, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं संलग्नता के कारण उत्परिवर्तन नहीं आते हैं इसमें संततियों में। इसके अलावा हम देख इसका महत्व देखें तो क्या होता है, संकरण द्वारा उत्पन्न संकर छटनी करने और प्रकृति याद करने में क्या होते हैं, इजी रहते हैं, ठीक है। संकरण द्वारा जो क्या प्राप्त होते हैं, संकर प्राप्त होते हैं, संकर उत्पन्न होते हैं, उनकी छटनी करने में, किसमें, अलग करने में, छटनी करने में क्या रहते हैं ये, छटनी करने में आसान रहते हैं, छटनी करने में क्या रहेंगे, आसान आसान रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं इससे क्या होता है, इनकी प्रकृति, पादपों की प्रकृति ज्ञात करने में आसानी, ठीक है, प्रकृति ज्ञात करने में क्या होती है, आसानी होती है पादपों की। तो इस तरह से हमने किसके बारे में पढ़ा है, यहाँ पर सहलग्नता के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा है, ठीक है, कि क्या होता है सहलग्नता और इसके महत्व क्या है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।